सर्दियों में अक्सर लोग गाजर का जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सर्दियों में मिलने वाले सारे के सारे खट्टे फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अनार, संतरा, मौसम्बी, कीनू, कीवी, इन सबके जूसेस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और जल्दी बीमार नहीं होने देते। इन जूसेस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपको हेल्दी रखते हैं और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको फ्री रेडिकल से बचाते हैं। ये जूस पीने में ना केवल टेस्टी होते हैं बल्कि आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं। तो इन टेस्टी जूसेस को आज हम बनाने वाले हैं अपने किचन में, इन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जूसेस को जो कि आपको फ्री रेडिकल से बचाएंगे, आपकी स्किन को ग्लोइंग करेंगे, आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा अच्छा कर देंगे और साथ ही साथ आपके वेट लॉस में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और ये बहुत ही आसान है, विद इन 2 मिनट्स आप इन जूसेस को बना पाएंगे और आप इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में कभी भी किसी भी वक्त इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना बहुत अच्छा वेट लॉस करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जूसेस को आपको कैसे बनाना है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है निशा अरोड़ा और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूं मेरे चैनल पर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया ये वीडियो देखे, क्योंकि अब आप इस चैनल के साथ जुड़कर बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और सीखते हैं जूसेस को हमें कैसे बनाना है। तो पहला स्किन ग्लोइंग अमेजिंग जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल, एक ऑरेंज, थोड़ी सी पालक और खीरा ले लिया है। ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करेगा, आपका पेट भरेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बहुत ही अच्छा वेट लॉस होने वाला है ये जूस पीने के बाद। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और इन सबको आप ब्लेंड कर लें अच्छे से। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका ग्रीन कलर का एक रिफ्रेशिंग जूस बनके रेडी हो जाएगा। ये पीने में काफ़ी हैवी लगेगा आपको, क्योंकि आपको इसका जो फाइबर है वो निकालना नहीं है, छानना नहीं है, ऐसे ही पीना है। सेकेंड जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरीज, जिनके मैंने पीछे से छिलके निकाल के उनके पीछे से जो जड़ें हैं थोड़ी थोड़ी उनको मैंने काट दिया है और अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। अब मिक्सी का एक जार ले लेते हैं, इसमें सारी स्ट्रॉबेरीज डाल देते हैं। मैंने तकरीबन 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज ली हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ का बनाना ले लिया है, आपको बहुत ज़्यादा बनाना नहीं लेना है, एक छोटे साइज़ का बनाना ही इस जूस को या शेक को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे गाय का दूध, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा ग्लास गाय का दूध इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे मीठेपन के लिए थोड़ा सा हनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है वो थोड़ी सी खटास होती है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हनी डालेंगे जिससे कि ये थोड़ा मीठा हो जाएगा। और बस अब ढक्कन बंद करके मिक्सी का जार हम चला लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चम्मच चिया सीड्स इसमें डालेंगे और बस इन सबको हम ब्लेंड करके एक बहुत ही अमेजिंग सी स्मूदी रेडी करेंगे। आप इसे स्ट्रॉबेरी का जूस भी बोल सकते हैं, आप इसे स्मूदी भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मैंने बताया, खट्टे फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको फ्री रेडिकल से बचाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसे डेली ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। थर्ड जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश ऑरेंजेस, 1 गाजर और मैंने साथ में 1/2 ड्रैगन फ्रूट ले लिया है। अब इन सबको हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसा भी आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से मोटा या बड़ा या पतला छोटा टुकड़ों में आप इसे काट सकते हैं। सबकी सब चीज़ों को मिक्सी के जार में डालें और पानी डाल के अच्छे से आप इसे ब्लेंड कर लें और इस जूस को आप छानें। और एक चीज़ और कि आप जब ऑरेंजेस को छीलेंगे तो ध्यान रखें कि उसके बीज निकाल दें, अदरवाइज़ ये जूस कड़वा हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने का टाइम नहीं है, इसको छानने का टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट जूसर में भी इन सब का जूस निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके वेट लॉस के लिए और आपको आपकी पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। So, ये थे कुछ सिंपल सी 2 मिनट जूसेस रेसिपी, जिन्हें अपनी डाइट में आप ब्रेकफास्ट में जरूर ऐड करें, जिससे कि आप अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और डेफिनेटली ये आपको आपके फैमिली मेंबर्स को भी देने चाहिए। अगर आपके बच्चे अभी से ये जूसेस पीना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होंगी ही नहीं हेल्थ से जुड़ी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जल्दी जल्दी इस फैमिली को और ज्यादा इंक्रीज करें, ताकि हम सब लोगों के साथ मिलकर एक हेल्दी कम्युनिटी को जन्म दे सकें और इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते रहें। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।